बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने पेज नंबर 12 और 13 किया था। हम पेज नंबर 13 कर रहे थे, उसकी पार्ट ए हम कर चुके हैं। तो अपनी बुक्स ओपन करें। ओके, आज हम पार्ट बी कर रहे हैं, कंप्रिहेंशन। कंप्लीट ईच सेंटेंस विद टू फैक्ट्स फ्रॉम फ्रेंड्स ऑफ द फॉरेस्ट। कहते हैं इन सेंटेंसेस को हमने कंप्लीट करना है इन फैक्ट्स को देखें। ठीक है, यहाँ से हमने टू ऑप्शंस चूज़ करने हैं और इन टू कॉलम्स में उनको फिल करना है। नंबर वन इज़ अबाउट बैजर्स। बैजर्स लिव इन ग्रुप्स, ग्रुप्स में रहते हैं एंड लिव अंडरग्राउंड और ज़मीन के नीचे रहते हैं। नंबर टू इज़ अबाउट द आउल। दे हूट इन द नाइट, वो रात को हूट करते हैं एंड मेक्स अ हूटिंग साउंड। ठीक है, ये सारे ऑप्शन यहाँ से हमने लिए हैं। नंबर थ्री इज़ अबाउट फ्रॉग्स। दे ले एग्स, अंडे देते हैं एंड लाइक वेट एरियाज और गीली जगह पसंद करते हैं। नंबर फोर इज़ अबाउट डियर। डियर आर हर्बीवोर्स। ठीक है, सब्जाहोर जानवर हैं एंड मेक अ बर्पिंग साउंड और बर्पिंग साउंड निकालते हैं। नंबर फाइव इज़ अबाउट हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स कौन होते हैं? दैट इट लीव्स, जो पत्ते खाते हैं एंड डू नॉट ईट मीट और गोश्त पसंद नहीं करते या उसको नहीं खाते। ओके, पार्ट सी इज़ अबाउट ग्रामर। लिस्ट दिस वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हमें जो वर्ड्स दिए हैं इनको हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पे फिल करना है। इफ़ यू रिमेंबर, हमने एक्सरसाइज के स्टार्ट में वो डिक्शनरी वर्क किया था। ठीक है, आपको अगर डिक्शनरी देखनी आ गई, उसकी समझ आ गई, तो यू कैन डू इट ईजीली। देखें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किस तरह करेंगे। हमारे पास ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो ई से स्टार्ट हो रहा हो, तो हम बी पे आ जाएंगे। ठीक है, बी से स्टार्ट होने वाले हमारे पास थ्री वर्ड्स हैं। अब हमने बी के बाद देखना है कि हमारे पास ई पहले आएगा, ओ पहले आता है या आर पहले आता है ए बी सी में। ठीक है, तो हमारे पास पहले ई आता है, तो हम सबसे पहले बिहाइंड लिखेंगे। ई के बाद क्या आता है? ओ। ठीक है, अगर आप ए बी सी पढ़ें तो ओ ई के बाद आएगा, बोर्ड सेकेंड पर आएगा, इसी तरह ब्रांच थर्ड पर। अब बी के वर्ड्स हमारे पास ख़त्म हो गए, अब हमने सी पर आना है। सी ऐसा वर्ड है जो सी से स्टार्ट हो रहा है, जी, तो हम चीज़ को यहाँ पे लिख लेंगे। इसी तरह सी के बाद क्या आता है? डी। तो डल को हम यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद पी आएगा, प्लेस, प्रॉब्लम। प्लेस में हमारे पास एल पहले आता है और प्रॉब्लम में आर बाद में आता है। ठीक है, ए बी सी में। इसी तरह स्माइल, स्नो। अब स्माइल और स्नो में हमारे पास पहले एम आता है ए बी सी में, एम एन ओ। ठीक है, एम पहले आएगा तो इसलिए हम एम वाला वर्ड पहले लिखेंगे, स्माइल इन स्नो, और लास्ट में आएगा विंड। ओके, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। आपने अब क्या करना है, पार्टी और ए अपने पेरेंट्स आपके पेरेंट्स आपको करवाएंगे। कोई सा एक पैसेज ले लें अपने लेसन में से, आपके पेरेंट्स इसको रीड करेंगे और आप इसको ज़ुबानी लिखेंगे। ठीक है, आप उसको पहले एक दफ़ा पढ़ भी सकते हैं। और यहाँ स्पेलिंग्स में क्या आएगा, आपने जो वर्ड्स मीनिंग हमने किए थे उनके स्पेलिंग्स, उन वर्ड्स के स्पेलिंग्स लर्न करने हैं। और जिस तरह आप डिक्टेशन पैसेज करेंगे, इस तरह आपने 10 वर्ड्स वो वर्ड्स मीनिंग वाले यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।